सिलेक्शन नहीं है तो कुछ वैसे बोलो, टॉपर के उनके लिए इतने तो जाना मार्क्स है। नहीं है जेई में। उस टॉपर का क्या फायदा अगर वो जेई में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो? टॉपर यानी जिस तरह के के फोर हमारे लिए नाइनटी वन टॉपर तो मार्क्स है जाना ही हमारे नहीं है। लिए क्या कही है। हुआ अंकुश? किसे बोल रहा? मेरा सब बस आप आप लोगों से आपके लाइक स्कूल यही में है। कितने हाई परसेंटेज प्लस टू के? 95। मैंने स्कूल में टॉप, मेरे भाई ने अच्छा स्कूल में टॉप किया। वेरी गुड काव्यांश, अच्छी चीज है। और उनका, उन्होंने किया क्या है रैंक? आगे क्या कर रहे हैं वो? परसेंटेज आए उनके? अच्छा चलिए अच्छी बात है। मैम अगर मान लो टॉपर आ गया, उसको जरूरी थोड़ी जेई करना है बेचारे को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर वो ट्राई कर रहा है तो, इन केस, उस केस में मैं किसी को लेकिन ले, मेरी हाँ बहन तो बोलती है उसको तो जेई करना ही नहीं है। मैं तो फिर ठीक है, फिर मीटिंग उसके लिए बहुत अच्छी करती बात है, अगर उसको बात जेई नहीं करना है तो। लाइक परसेंटेज मायने रखती है, नो डाउट मायने रखती है, लेकिन फिर भी तो मैम मेरे भाई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और उनकी आप प्लस टू की परसेंटेज पता कितनी थी? 76। और देखो कहाँ उन्होंने टॉप किया। बोलते सी? मेरे को स्कूल में मतलब पढ़ने में मजा नहीं आता था। मार्क्स किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, नॉलेज नॉलेज ओनली ऑन उनकी मार्क्स किसी का फ्यूचर ना। डिसाइड नहीं करता। लेकिन हाँ अगर 75%75% से नीचे हो तब जेई में सिलेक्ट भी नहीं होते। क्या विवेक? वो अगर उन्होंने सेवेंटी क्राइटेरिया बना फाइव दिया है, वो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया ऑब्वियसली। ठीक परसेंट है, वो तो है, वो क्राइटेरिया है, ठीक है हमारे ना? स्कूल में मैम टॉप पर आए हुए हैं बच्चे, बट हमारे लोगों को लोगों दिखा रहे हैं आप, बिल्कुल सही। चलो पढ़ाई करते हैं। अब कुछ तो दिखाएं, ठीक है नहीं ना? नहीं कुछ तो करें। दिखाने के साथ साथ स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ ये तो है, नो डाउट। चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक हाँ है? जी तो मैम, यस मैम। ये टॉपिक हमने कल डिस्कस कर लिए थे, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टाइम। अब हम बैटरी और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन सेल लाइक कुछ नहीं है, इसमें एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन नहीं है, ये है। इसका फॉर्मूला देख लो बस, क्या है कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे दैट ई सेल, अब हमारा क्या है, अगर हमारी ई नोट सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ई नोट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं है तो हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ लाइक उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 डिवाइडेड बाय C2, अगर प्रेशर दे रखा है तो P1 डिवाइडेड बाय P2। लाइक ये नर्स्ट इक्वेशन है ना, बहुत आपके न्यूमेरिकल्स लाइक ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल नर्स्ट इस चैप्टर में से नर्स्ट इक्वेशन पर आते हैं, वन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले, ठीक है ये आते हैं। चलिए, और कल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने बता ही दिया था, ये फॉर्मूला ई नोट सेल निकालने का, ठीक नहीं है बताया था। अगर दिव्या नहीं समझ आया तो प्लीज बता दीजिए, मैं बता दूंगी। नहीं मैम, ये तो आ गया था। फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, आप बताइए कि बैटरी होती क्या है, क्या होती है बैटरी? जो दो से ज्यादा सेल से बनी हो, ओके, और जिसमें मैम करती क्या है, करती जो क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी यस बैटरी हो जाएगी, ठीक है? अब बैटरी हमारी कितनी होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी बैटरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी बैटरी, ठीक है? प्राइमरी बैटरी में हमारे दो टाइप की लाइक दो टाइप के सेल्स आते हैं। प्राइमरी बैटरी जिसमें क्या होते हैं, एक बेसिकली प्राइमरी बैटरी वो होती है, जैसे आप लोगों ने वो सेल देखे ना वॉच, जो हम वॉल क्लॉक पे सेल लगाते हैं, 1.5 वोल्ट के आते हैं या पॉइंट आते हैं कि नहीं आते, है ना? सेल लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, एसी के रिमोट में लगा दिया, कहीं पे लगा दिया, जो रिमोट आते हैं, ठीक है? तो अब आपने देखा होगा जब वो क्या होता है, स्टार्टिंग में लाइक वो अच्छे से वर्क करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है लाइक कुछ टाइम बाद, आजकल महीने लगा दो 2 महीने बाद, वो क्या होते हैं, काम करना बंद हो जाते हैं। क्यों क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि क्या हो गया उनका, उनका क्या हो गया, फिनिश फिनिश हो गई रिएक्शन उनकी, चार्जिंग, चार्जिंग उनकी फिनिश हो गई, ऐसे समझ लो। लाइक आपके सिंपल भाषा में बोले तो
है ना। तो क्या कर सकते हैं, लाइक प्राइमरी बैटरी हम उनको बोलेंगे जो सेल और बैटरीज क्या हो रही है, विच कैन नॉट बी रिचार्ज, वेरी गुड, है ना, जो रिचार्ज नहीं हो सकती है, लाइक एट द एंड उनको फेंकना ही पड़ता है, एट द एंड उनको क्या है, फेंकना ही पड़ता है, वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी बैटरी। अब बात करें सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी क्या हो गया, इनका ऑपोजिट, जैसे हमारी क्या होती है, फोन की बैटरी हो गई है ना, जैसे हमारे क्या होती है, इन्वर्टर की बैटरीज होती है, रिचार्जेबल होती है ना, लाइट आ गई तो वो रिचार्ज हो रही है, हमारा फोन की बैटरीज हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं, ड्रेन हो जाती है तो दिखाता रहता है इतना ड्रेन हो गई, इतने परसेंट तो क्या होती है, जो सेकेंडरी बैटरीज होती है वो क्या होती है, इनका रीयूज भी किया जा सकता है ना, रीयूज बैटरी, एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वेरी गुड, ठीक है। अब जो हमारी प्राइमरी बैटरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होता है मेरा ड्राई सेल, ठीक है, एक क्या होता है मेरा ड्राई सेल, ठीक है, और दूसरा होता है मेरा मरकरी सेल, कौन सा, मरकरी सेल, वैसे इतना आता नहीं है इसमें से, अगर रेयरली कभी आ गया ना तो ये पूछा जाएगा कि एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, दैट्स इट, इसके अलावा ज्यादा कुछ, क्वेश्चन है उसको देखना क्या बिटिया, मैम, केशव का क्वेश्चन है ना, ऐसी बैटरी जो काम काम हेलो, किस चीज का, जो चार्ज ही नहीं होती, वो इस ये काम क्या, की है वहां से, ताकि रॉड वगैरह सेल से निकाल सके, फिर एक्सपेरिमेंट करते रहो उन पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं ड्राई सेल और मरकरी सेल, ठीक है। तो ड्राई सेल क्या होता है, हमारा नॉन रिचार्जेबल, जिसको क्या है, रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे अभी बात करी, जैसे हमारा सेल देखा है ना आप लोगों ने, इस टाइप का होता है ना सेल, जैसे राउंड राउंड होगा, बीच में एक टुपली सी बनी हुई होती है ना, और जब क्या होता है, जब उस कवर को हटा दोगे तो एक कुछ सिल्वर सिल्वर कलर का सा दिखता है, दिखते हैं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम टाइप सा, होता है कि नहीं देखना होता, हाँ ठीक है। और उसको तोड़ दो, अगर उसको तोड़ दो तो उसके बीच में से एक ब्लैक ब्लैक सी रॉड निकल के आती है, कभी उसको तोड़ के देखना तो उसमें से, हाँ वैसे देखना, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, उसमें ब्लैक कलर की ये जो दिखा ऐसे, ये हमारी क्या होती है, ग्रेफाइट रॉड होती है, कौन सी होती है, ग्रेफाइट रॉड होती है। अब ये ग्रेफाइट रॉड क्या होती है, ये कवर होती है किससे, किसके सोल्यूशन से, MnO2, NH4Cl और कार्बन का सोल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और जो मेरा क्या होता है, लाइक सेंटर में वो टुपली सी होती है जो ग्रेफाइट रॉड जिसे बोलते हैं, वो हमारा एज ए वर्क करता है कैथोड, एज एन वर्क करता है कैथोड, ठीक है। और बाहर जो एनोड की तरफ वर्क करता है उसमें होता है जिंक, जो आउटर कवर होता है, किसकी तरफ वर्क करता है, जिंक। अब आपसे पूछा जाए, जो पूछा जाएगा कि ड्राई सेल में जिंक लाइक कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, ये पूछा जाएगा। तो कैथोड पे क्या होता है मेरा, ग्रेफाइट रॉड होता है, एनोड पे क्या होता है, जिंक होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं इसमें, MnO2, NH4Cl एंड कार्बन, MnO2, NH4Cl एंड कार्बन, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब एनोड पे क्या था, जिंक, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, और कौन से, दो इलेक्ट्रॉन, ये हमारी रिएक्शन किस पे चल जाएगी, एनोड पे। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, अब रिडक्शन किस तरीके से होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, NH4Cl MnO2, ठीक है, तो NH4Cl पहले किस में ब्रेक होगा, आयंस में ब्रेक होगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, और Mn किस में होगा, Mn प्लस में O2 पॉजिटिव में, ठीक है, सॉरी O2 नेगेटिव में, ठीक है। तो क्या हो गया, अब जो रिएक्शन बनेगी हमारी कैथोड पे वो ये रिएक्शन बनेगी, कोई कुछ कह रहा है क्या, हाँ अखिल, मैम, कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन। हाँ हमारे सर उल्टे क्यों बता रहे थे? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा रहे होंगे फिर वो, नहीं, क्या बोल रहे हो, नहीं एनोड मैम, को, एनोड पे उसमें तो भी नहीं ऑक्सीडेशन होती चेंजिंग, होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, उन्होंने गलत बता दिया अखिल, मैम कैथोड ऑलवेज पे ही क्या होती होती है है हाँ, कैथोड रिडक्शन। पे मैम मेरे पास हमेशा एक फॉर्मूला हमेशा है इसको लाइट याद तुमने करने। चेंज करो, और मैंने क्या बोला, ए बी सी, और ए ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, सी कैथोड पे आर मैम रिडक्शन, देखो मैम, हाँ इसका एक तरीका बताओ। एन ऑक्स, एन से एनोड और ऑक्स से ऑक्सीडेशन, ठीक नहीं है? एन ऑक्स, एक बल्द हाँ हाँ मतलब ठीक है, हिंदी में, तो मैंने भी तो बहुत सिंपल सा बताया, एबीसी, और और एक कैथोड का रेड कैट।
कैसे भी कर लो, जैसा देखा ना रिडक्शन आप इन लोगों कैथोड। को, जैसे आप लोगों को इजी लगे वैसे कर लो, बट हमेशा क्या मैम रहेगा एनोड मैंने ऐसा पे। पढ़ा थोड़ा, सर बोल रहे थे कि कैथोड में ऑक्सीडेशन और एनोड में रिडक्शन। उनसे पूछ रहे ना कहाँ पर होती है सर। मैं पूछ दूंगा, आज पढ़ाया था मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस में कॉन्सेप्ट। सिर्फ चार्ज चेंज जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस अगर मतलब हो जाए ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो सिर्फ चार्ज चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, लेकिन हमेशा एनोड पे रहेगी ऑक्सीडेशन और क्या होगी कैथोड पे रहेगा रिडक्शन, तो कर लो। रिडक्शन मारा सर, मैं पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं। और सर डिस्कवर्ड न्यू सेल, ठीक है। ठीक है, अब रिडक्शन होगी तो रिडक्शन हम किसकी करेंगे, पहले हम क्या है MnO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH4 आयंस के साथ, ठीक है। NH4 आयंस के साथ क्या बनाएगा, MnO2O3 एंड NH3, क्या बनाएगा MnO2O3 और NH3, और प्लस में हमारा MN4 किस में रिड्यूस हो जाएगा, मेरे MN3 पॉजिटिव में, ठीक है। अब जो मेरी टोटल सेल रिएक्शन बनेगी क्या होगी, टोटल सेल रिएक्शन क्या बनेगी, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड करके दिस रिएक्शन, लाइक ZN गिव्स ZN2 पॉजिटिव, MnO2 MN2O3 2NH4 गिव्स 2NH3, और क्या निकलेगा मेरा H2, क्या निकलेगा H2, ठीक है। यही मेरी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी किस पे, ड्राई सेल पे। ये रिएक्शन आप लोगों को देखनी है और कुछ नहीं करना है इस ड्राई सेल में, ठीक है, अगर आपसे रियली कभी पूछा जाए तो, इन केस, ठीक है। वैसे रियली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्राई सेल पे, वैसे ही पूछ ले जाते हैं थ्योरेटिकल। चलिए अब बात करते हैं मर्करी सेल की। अब मर्करी सेल देखा है आप लोगों ने, लाइक आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसके पीछे एक ऐसा ना सिल्वर कलर का छोटू सा बड़ा क्यूट सा सेल होता है, राउंड राउंड, यस यस मैम, मैम, बटन सेल। बटन सेल, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो बटन सेल भी क्या होता है, एक तरीके से ड्राई सेल की तरह ही होता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या होता है, एनोड पे मेरा जिंक कंटेनर होता है, एनोड पे जिंक कंटेनर होता है, और कैथोड पे क्या होता है कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, मरकरी, ऑब्वियसली मरकरी सेल है तो HGO, और क्या होगा मेरा पोटेशियम, लाइक POH। अब एनोड पे क्या आ जाएगा, लाइक जिंक है तो जिंक किसके साथ, मेरे OH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा ZnO, वाटर निकलेगा और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगा, बच्चा मेरा HGO किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो मरकरी प्लस में 2OH-। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन लाइक ZN प्लस में HGO गिव्स ZnO प्लस में HG, ठीक है। और इसका ओवरऑल पोटेंशियल कितना होता है मरकरी सेल का, 1.35, 1.35 वोल्ट, ओके, ठीक है, ओके। क्या यस होता है मैम, मेरे एनोड पे, क्या होता है मर्करी सेल पे एनोड पे, ZM वेरी गुड। कैथोड पे कार्बन कार्बन वेरी गुड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, HG HCO HGO और और KOH वेरी गुड प्रश्न, KOH KOH, ठीक है, HGO एंड QH, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे सेकेंडरी बैटरीज की, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, मैम, एक बात बोलूं हाँ बेटा, मैम, इनको मिटा के ना दोबारा आप हमारे साथ साथ लिखो, क्योंकि मेरे को मैं लिख भी रही ना साथ साथ में, फिर अब बहुत फास्ट हो गया, मैं ये भी फास्ट हो गया। दिव्या दिव्या लिख जल्दी रही जल्दी हूँ, स्टार्ट कर दे। अगर दिव्या इतनी स्लो स्पीड रही तो क्या करोगे बच्चा। मैं लिख भी रही हूँ ना, बट जैसे आप बोल भी रहे हो ना, तो फिर जैसे आप पहले से लिखा बोल रहे हो, बस वैसे काटा जा रहा है बस। जो अच्छा बता क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, आपने लिखा है ना उनको इरेज करके साथ साथ में लिखो, ये वाला हटाओ सारा, चल जो अब अगला पढ़ाओगे ये तो मैंने लिख लिया। मैम ठीक है, तो फिर अगला पढ़ाओगे तो ये हटा देते हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं, इनको PDF भी भेज दूँ। चल। है PDF ऑलरेडी है आप लोगों के पास, ये भी मैं उस मैं एक आगे रहे पढ़ के देखो अच्छे से बता रखा है, ठीक प्योर है, नोट्स हैं, अच्छे वाले नोट्स हैं। अच्छे वाले नोट्स भेज रखे, मैं ऐसे नहीं, ठीक है, यहाँ तो पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे नोट्स भेज रखे हैं, और मैंने जितने लेके आपने अच्छे पढ़ाया मैंने वहां तक ही देखे नोट्स। मैंने सोचा खत्म है कि मैंने स्क्रॉल भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया अभी तक NCERT वाला। वेरी बैड, ठीक है। अब जो हमारी सेकेंडरी बैटरीज में आती है दैट इज लेड स्टोरेज, क्या आती है मेरी,
लेड स्टोरेज, ठीक है। अब लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, नाम क्या हो रहा है मेरा, लेड का, ठीक है, क्या है, मीन लेड, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे एनोड पे क्या होता है, लाइक मैंने ना कुछ इस तरीके से बैटरी बना दी, लोगों ने देखा ना कुछ इस तरीके से बैटरीज बना ली होती है, बैटरीज ही बना देती हूँ, ठीक है। अब तो लाइक मान ही रहे हो तो फिर कर लो, ये हमारे सेल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो इनके बीच का होता है, लाइक इनके बीच में जो कंटेंट होता है, लाइक कोई सॉल्यूशन समझ लो, साल्ट समझ लो, वो होते हैं, वो एज इन वर्क करते हैं कैथोड, क्या वर्क करते हैं, कैथोड, कैथोड, ठीक है। और ये जो सेल्स है ये कैसे वर्क करते हैं, ये एज वर्क करते हैं एज एन एनोड, ठीक है। ये कैसे वर्क करते हैं, एज एन एनोड, अब ठीक है, एज ए एनोड, ठीक है। ये क्या है मेरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक। अच्छा अब क्या है, जो हमारा एनोड है, एनोड है वो क्या है, दैट इज ये ग्रिड है हमारा किसका, लेड, जिसमें हमारा लेड फील्ड है, ये क्या है, इसमें हमारा क्या फील्ड है, लेड, फिर फाइनली लाइक स्पॉन्जी लेड, ऐसे बोलते हैं ना, और क्या होते हैं, और क्या होते हैं, हम क्यों पीस के उनको रखते हैं, क्योंकि वो इजिली रिफाइन हो जाते हैं, तो क्या है इसमें लेड का पाउडर समझ लो, इसमें क्या है, और ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रिड ऑफ, ये क्या है मेरा लेड, लेड फिल्ड विद फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड। अब मेरा कैथोड, कैथोड क्या है, ये है हमारा लेड पैक्ड विद द लेड ऑक्साइड, इसमें क्या है मेरा PbO, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है मेरा, जो पैक्ड है किससे, एनोड से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें है PbO, दैट इज लेड ऑक्साइड। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कौन सा होगा, दैट इज H2SO4, होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों हम इसमें बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड मिनरल वाटर, पीएच का और लाइक इंप्योरिटीज का, इसमें जो हमारा, हाँ वेरी गुड केशव, लेड स्टोरेज बैटरी में हमारा 38% H2SO4 होता है, लाइक डिस्टिल्ड वाटर इज लाइक जिसमें हमारे कोई आयंस होती ही नहीं, समझ लो, लाइक मिनरल वाटर में क्या होते हैं हमारे, विटामिन भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली अच्छे हैं, होते कि नहीं होते, तो उसमें हम क्या डालते हैं, बैटरीज में डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, किसमें कन्वर्ट होगा, ये 2H पॉजिटिव में प्लस में SO4 2 नेगेटिव में, राइट। अब इस पे क्या रिएक्शन होगी, अब इसमें भी क्या होगा, दो रिएक्शन हो सकती है, एक डिस्चार्जिंग के टाइम पे, एक चार्जिंग के टाइम पे, ठीक है। अभी बात करते हैं अगर हम डिस्चार्जिंग के बारे में, डिस्चार्जिंग के टाइम पे एट एनोड, किस पर, एट एनोड, एनोड पे क्या होती है मेरी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, ठीक है। अब लिखो क्या था हमारा, क्या था, पीबी था, एनोड पे क्या था भाई, ग्रिड लेड था फिल्ड विद द फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड, ठीक है। ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और क्या बनाएगा मेरा, Pb2 नेगेटिव, ठीक है, ये मेरा एनोड पे। अब मेरे कैथोड पे क्या होगा भाई, कैथोड पे होता है मेरा रिडक्शन, किसका रिडक्शन होगा, क्या था मेरे कैथोड पे, लीक पैक विद लेड ऑक्साइड मीन्स PbO2, क्या था मेरा, PbO2। अब ये क्या है, रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन किए, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये क्या करेगा, उनको गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और क्या था मेरा, क्या था भैया, किसमें कन्वर्ट हुआ था, वो 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ये SO4 यहाँ पर आएगा, लाइक SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या बनेगा, PbSO4 2 नेगेटिव प्लस में 2H2, ठीक है, हाइड्रोजन भी तो है, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हो जाएगी और एनोड पे मेरी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, हाँ कि ना, यस मैम, इसके बाद आता है मेरा निकल और कैडमियम, क्या है, निकल और कैडमियम सेल रिएक्शन। तो निकल से क्या मतलब है, लाइक हम अगर बोले तो ऑब्वियसली निकल और कैडमियम ही इस्तेमाल हो रहा होगा, है ना, तो इसको भी मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने निकल एंड कैडमियम। चलिए एनोड पे क्या होता है, बोलो, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा मेरा, दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या है, किसका लॉस होगा, कैडमियम का,
कैडमियम, और क्या होगा मेरा विद टू ओ एच नेगेटिव, विद टू ओ एच नेगेटिव क्या बनाएगा सी डी ओ एच होल ट्वाइस प्लस में टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है एट एनोड। अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा मेरा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, किसका रिडक्शन होगा निकल्स का, इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या है निकल हमारा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा टू एच टू ओ प्लस में दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या बना दिया निकल ओ एच होल ट्वाइस प्लस में टू ओ एच नेगेटिव एक्वस, और ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी भाई दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन गए है ना, और क्या बना टू ओ एच से टू ओ एच गया, क्या बचा कुछ है अब तो नहीं कटने वाला, तो नेट रिएक्शन क्या बन गई इसकी सी डी कैडमियम सॉलिड प्लस में टू एन आई ओ टू निकल ऑक्साइड प्लस में एच टू ओ गिव्स, क्या दे रहा है मेरा सी डी कैडमियम हाइड्रोक्साइड ओ एच प्लस में निकल ओ एच होल ट्वाइस सॉलिड, ठीक है ये बन गया, ये क्या है मेरी निकल कैडमियम सेल रिएक्शन, निकल कैडमियम सेल रिएक्शन, ठीक है अच्छा इसके इसके बाद आता है मेरा फ्यूल सेल, क्या होता है फ्यूल सेल अंकिता, क्या होता है फ्यूल सेल अंकिता, नाम से पता चल रहा होगा फ्यूल सेल, किसकी वजह से ड्यू टू द कम्बशन ऑफ फ्यूल्स, अब कौन कौन से फ्यूल होंगे हाइड्रोजन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा सी एच फोर लाइक मीथेन हो गया, इन सब की वजह से इनके कम्बशन से जितने मर्जी करवाओ अगर कोई आप ऐसे पूछोगे ना तो मैं कोई कंफ्यूज ना होती कि मैं बोल लूं क्या, चलो अच्छी चीज है न्यूमेरिकली आगे काम आने वाले स्टेटमेंट वगैरह मैं भूल जाती हूँ मेरे जैसे हाल है तेरे भी तो क्या सेल होती है जहाँ पे एनर्जी क्या होती है प्रोड्यूस्ड की जाती है किससे फ्रॉम द कम्बशन ऑफ फ्यूल लाइक सीओ टू लाइक सीओ ठीक है और सी एच फोर और हाइड्रोजन और भी हो सारे हैं ठीक है, अब ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे तो तभी तो तुम्हारी गाड़ियां चलती हैं दौड़ती हैं भागती हैं रेस लगाते हैं ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की बात हो रही है तो क्या होगा दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे टू एच टू, ठीक है यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है बोलो बोलो यस मैम यस मैम, ये मेरा है फ्यूल सेल, क्या हो गया फ्यूल सेल। अब बात करते हैं लाइक कोरोजन, क्या होता है कोरोजन, क्या है कोरोजन, कोरोजन 9-10 से पढ़ रहे आ रहे हैं लाइक इसका सिर्फ हम क्या करेंगे थ्योरी आप लोग बताओगे मुझको, मैं इसको कुछ नहीं रस्टिंग होती है आयरन की दैट इज कॉल्ड कोरोजन ना लाइक जैसे स्लो प्रोसेस है, हाँ बहुत स्लो प्रोसेस है, इट्स अ स्लो प्रोसेस वेरी गुड ठीक है, इसमें क्या करते हैं जैसे हमने क्या किया कोई भी लोहे का सामान है अगर यूं ही पटक इसको ऐसे बोल सकते हैं डिकेइंग ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है वो बिल्कुल केमिकल रिएक्शन बना दिया अखिल आपने ऐसे भी बोल सकते हैं वेरी गुड ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर है ना वो केमिकल रिएक्शन हो रही है वेरी गुड ऐसे भी बोल सकते हैं, तो क्या हो गया लाइक स्लोली स्लोली जब हमारे आयरन क्या होता है आयरन कोई भी चीज होता है वो खराब हो जाता है उस पर एक देते ना रेड ब्राउनिश कलर का एक कोट सा हो जाता है, कुछ मेटल का सामान लेके आओ बड़ा चमकता हुआ आता है लेकिन उसको लाइक 10-15 दिन तुम ऐसे रख दो तो ऐसे हो जाता है बेचारे को पता नहीं क्या हो गया कितना गंदा हाथ भी बैठा उसके हाथ भी ना ऐसे रेडिश रेडिश ब्राउन हो जाता है जब उसको पकड़ते हैं तो कोरोजन हो गया जंग लग गया ठीक है ना, इसलिए जो हमारे घर की जो जालियां होती हैं ठीक है वो क्या होती है उनको कलर पेंट करके पेंटेड होती है पेंट करके रखते हैं क्यों ताकि क्या हो भाई कोरोजन से बच जाए खराब ना हो टूट ना जाए ठीक है ना, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए और क्या क्या करते हैं हम
गैल्वनाइजेशन एक सुना है? गैल्वनाइजेशन। क्या होता है गैल्वनाइजेशन विवेक? जिंक, जिंक। हाँ हाँ दिव्यांशु। एमजिंग लेयर चढ़ाई जाती है उस पर। हाँ दिव्यांशु, दिव्यांशु एक्सप्लेन कर रहा है, करो। चढ़ा जिंक, जिंक ना, जिंक से कोटेड कर दिया जाता है वो मेटल, लेयर ठीक है, जिंक की लेयर न्यू, चढ़ाई जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम गैल्वनाइजेशन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, है ना, पेंट कर दिया उनको, तो वो क्या होते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए होता है, यही हमारा कोरोजन में और कुछ नहीं है। दैट्स यहाँ पे मेरा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। 45 स्टूडेंट्स आर हियर एंड आई डोंट वॉन्ट कि कोई भागे, ठीक है, आधा घंटा हम क्वेश्चन करेंगे। कल का टेस्ट है आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो कि मैम वो वाला फॉर्मूला नहीं आता है, बता दीजिए साथ के आंसर साथ आज देने के फॉर्मूला। लिए है अंकिता? आपने तो मेरे को मना कर दिया आंसर देने के लिए। बट हाँ, अंकिता को मना मैं किया तो तो क्या हो गया, और भी तो है बहुत सारे जवाब देने के लिए। सुनूंगी आपको, ये आंसर दे, मैंने मना नहीं कर दी ना, बट बीच में ना जब मेरे को मतलब बहुत फास्ट हो जाता है, जैसे कोई मतलब क्लास छोड़कर नहीं। नहीं जाएगा, जो गया उसकी अटेंडेंस में एब्सेंट मार्क करो, एब्सेंट मीन्स एब्सेंट, ठीक है। यस, अप्रोच भी बहुत जरूरी होती है, न्यूमेरिकल, वेरी गुड, चलिए ठीक है, ऐसा करते वेरी गुड। ना मैम, आप क्या मैम जब हैंड बताएगा नहीं तो मैं बताऊंगी, आप बताओ रेस मैं कर दिया करेंगे मैम, जिसको आ बताऊंगी। गया बोलना नहीं, बस हैंड रेस कर दी। हाँ, और ठीक रहे हो? पूरे फॉर्मूले के साथ बताना जो बताएगा आंसर। हाँ मैम ये ठीक है। मैम कॉल म्यूट पर आपकी। मैंने पूछा कि यहां तक हो गया था क्वेश्चन हमारे कल, अंग्रेजी बंद नहीं हो रही, क्या हो गए थे। यहाँ तक हो गए थे ना कल हमारे क्वेश्चंस? हाँ जी मैम, हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, अब कीजिए कल इस क्वेश्चन को, कीजिए मेरे को क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। हो किसको नहीं हो रहा भाई, सबको नहीं हो, किसी रहा को है नहीं हो, क्वेश्चन, तो हो रहा है, कौन सोच तो रहा है मैम, एक को नहीं हो हो रहा रहा। है। अरे फिर से रिजॉइन करो, फिर रिजॉइन कर बच्चे, वो क्यों ना स्टॉप वाचिंग पे दबाया होगा। जो ज्वाइन करती थी दोबारा से। रिजॉइन कर लो, कोई बात नहीं, और देखो चलो करो, स्टार्ट करो, और जिसका हो जाए वो रेज योर हैंड, एंड यहाँ पे 45 की स्ट्रेंथ है, अगर कोई गया तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी। मैम अंकिता गई। अंकिता आ जाएगी। चलो करो जल्दी। हाँ सिंपल फॉर्मूला लगना है और कुछ नहीं होना।
सिंपल फॉर्मूला है, कौन सा लगेगा इसमें फॉर्मूला? व्हाट इज दिस? नॉर्मलिटी वाला, वेरी गुड। नॉर्मली वाला क्या फॉर्मूला था? जो पीछे करवाया था कंडक्टिविटी में। वेरी गुड, 1000 डिवाइडेड बाय n। अब इसमें वैल्यूज रखनी है। कंडक्टिविटी क्या है? दिस वन k कापा, कापा इज योर, नॉर्मेलिटी इज 0.01, तो क्या हो जाएगा 0.005 इंटू 1000। तो इतनी देर कैसे लग गई करने में? 0.01 आता है फिर भी इतनी देर? मैम हैंड रेज ही नहीं हुआ था। हैंड रेज नहीं हुआ था, कर लिया मैंने, देखा नहीं है हैंड रेज। अरे अब लड़ो, अरे बस करो बस करो, ठीक है चलो ऊपर से बताओ। विवेक सबसे ऊपर बोल रहे हैं, तो विवेक तुम बताओ चलो। क्या मैम? क्या आंसर बताओ ना। 500 ओम इनवर्स। थ्री ऑप्शन सबका? यस मैम। 500 ओम इनवर्स, ठीक है, इनटू में 100। हाँ बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने नहीं किया अब वो देख लो, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 20, ये हो गया 10। 5 × 100 दैट इज 500। तो 500 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, इसकी सेल रिएक्शन में क्या होगा फॉर्मूला? इतनी जल्दी हो गया? मैंने पहले ही कर लिया था। अंकिता नहीं बताएगी, श्वेता अब आप बताइए। हाँ बोलो। थर्ड होगा, थर्ड। रुक जाओ देखूं, ए बी पॉजिटिव है, सी यू है, सी टू पॉजिटिव, सी सी यू हो गया, टू बी जी एक, मैं आंसर मत बताना अभी प्लीज। नहीं मैं आंसर बता ही नहीं रही, चलो अपने अपने आंसर अपने साथ रख लो जब तक। मैम आप मेरे को अगला क्वेश्चन दिखाओ। अरे फिर अपने दिखाऊंगे तो फिर ये वाला हट जाएगा, कोई बात नहीं, फिर ये बच्चे कहेंगे नहीं अंजन को करने दो भाई, रुक लो देखती हूं। अब कर दूं नेक्स्ट? नहीं 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 मैम करने दो, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट जिन्होंने सी ऑप्शन बोला है वो ध्यान से देख लो। क्या आंसर आया मैम? किसका? मैम डी, सिम डी। कौन सा? मैम बी सी में से कोई एक होगा। मैम बी होगा, डी आ रहा मेरे तो। मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि बी क्यों होगा और सी क्यों होगा और ए क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा? करो करो अब। मैम ए तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैम उसके हम आयंस के साथ लेते हैं, एक आयन लेते हैं। अबे जा रही है क्या बात? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, बोलो। नहीं नहीं मैम डी तो है ही। हाँ तो डी क्यों नहीं हो सकता, ए क्यों, ए क्यों है ये बताओ मेरे को। मैम एजी की रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा होती है। है? ये इसमें क्या लॉजिक निकला? बी है इसकी, बी सोच लो, मैं ये नहीं कह रही, सोच के बताओ अच्छे से। इसमें आगे पीछे दिखा है सीरीज में, ये ऑप्शन सी है। सी एजी पे भी तो पॉजिटिव बनाना चाहिए। डी यस और भी कोई देख लो, मेरे को बी या डी में लग रहा है, पर बी लग रहा है।
बता दो अब। पहले देखो ए जी पॉजिटिव है, क्या है मेरा ए जी पॉजिटिव है, 2 मिनट। जो इसकी नेक्स्ट सेल रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी, लाइक हमने क्या किया, पहले ये देखो ए जी पॉजिटिव, ए जी पॉजिटिव, यहाँ पे सी यू टू पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्शन लाइक उस तरीके से होने चाहिए, टू, हाँ वेरी गुड, सॉलिड प्लस में कॉपर पॉजिटिव है, क्योंकि हम दोनों को ऐड करेंगे ना, कॉपर टू पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म। अब क्या दे रहा है, कॉपर सॉलिड, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करके, क्या करके गेन या लूज, ठीक है। अब ये सॉलिड है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, लूज करेगा कि गेन करेगा। तो ये हमें यहाँ सॉलिड है तो क्या होना चाहिए, टू ए जी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, एक्वस, टू ए जी पॉजिटिव एक्वस। अब बताओ कौन सा आंसर है। हाँ जी ए, अरे मैंने बी में देखा ही नहीं कि टू ए जी का पॉजिटिव साइन ही नहीं है, आयन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं है, ये स्टार दे रखा है, क्या है, बनता ही नहीं, ठीक है। बी में ए जी पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे सॉलिड है ही नहीं, ऑप्शन ए इज योर आंसर, समझे। हाँ जी, लाइक ना ए बोला किसी ने, ना लाइक बी और सी पे अटक के बैठ गए। मैं ए का मेरे को लग गया पता, मैं तो जस्ट ऐसे रह गया, रिएक्शन मैंने ठीक लिखी है पर बी पे ए देखा ही नहीं मैंने कि लास्ट में ए जी पे पॉजिटिव साइन नहीं है। ऑब्वियसली आयंस को बनाओगे ना, देखो ना सिंपल सी चीज है, यहां टू पॉजिटिव है, यहां पर सॉलिड में चेंज हो रहा है, यहां पे ऑलरेडी सॉलिड है तो सॉलिड को एक्वस में चेंज करने के लिए आयन क्या होंगे, लगेगा ना चार्ज, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ, आपने बोला था लाइक हम, आप लोगों ने बोला था कि नहीं, आई थिंक बैच 3 के बच्चों ने बोला था, मैम कल ना इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लेके आना, हम ना समझ आ गए हमें ये सब, ठीक। अब बताइए क्या सेल रिएक्शन होगा इसका, क्रोमियम वाले का। पहले ये देखो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे से आपको आंसर मिल जाएगा। मैं ए लग रहा है मुझे कुछ कुछ। अच्छा पहुंच गए वैसे वहां पर, ठीक बताया मैंने। हाँ बट कैसे ये तो बताओ, वो तो ऑब्वियसली बात है मैम, इसके अंदर मैंने देखा कि टू नेगेटिव दिया है ना, उसकी हमारे पास रिडक्शन हो रही है टू सी आर थ्री पॉजिटिव में, तो मैम ए और सी ऑप्शन लग रहे हैं जिसमें सी आर थ्री पॉजिटिव रिडक्शन वाली साइड रखा है, मतलब कैथोड वाली साइड रखा है, तो इन दोनों में से कोई एक होना था। बट यहाँ मैम 14 एच पॉजिटिव भी आ रहा है, मतलब कि गैस आ गई तो हमें वो पीटी यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड, सही सोचा, और सही सोच रहे हो मैम, इतना सोच के आंसर आ गया बस।
ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। से चुप नहीं बैठा जा रहा, पर अब हाँ बोल, बोलो बोलो बोलो। बता तो दिया उसने आंसर, तो मैंने क्या बताना है। अगले का बता लाइक दें। हाँ मैम अगले का ये बताइए। -14 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा लाइक मैं बोलूं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है मेरा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कौन बताएगा। मैफी को हो रहा है ऐसे। Fe का, वेरी गुड। Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, क्रोमियम का। ठीक है, का तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, प्लैटिनम की रॉड लगाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन शुड बी द आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन शुड बी द आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ, क्या बात है, धीरे धीरे पहुंच रहे हो। नेक्स्ट बताओ ये वाला। कौन सा करना है। नेक्स्ट बेटा, द सेल क्रोमियम, क्रोमियम 3 पॉजिटिव जिसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.5, Fe2 पॉजिटिव। नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो और कौन सा करना है, दिख नहीं रहा क्या, नो मैम, और किसी को भी नहीं दिख दिख रहा क्या। रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, दिख रहा भाई जिसको नहीं दिख रहा प्लीज रिजॉइन कर लो। कितनी बार क्या हो, पता मैं जूम किया होगा उसको। नहीं बेटू क्या पता कितनी बार, मैं क्या बोलूंगी यार, कर लो बेटा। ओके मैम, कर लो। एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, पहले तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, राइट, तभी तो यस आपको। मैम, फिर हाँ इक्वेशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। हाँ वेरी गुड। तो देख लो क्रोमियम, क्रोमियम 3 पॉजिटिव कैसे हो गया, क्रोमियम से क्या पहुंचा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव मीन्स क्या है इसमें, ऑक्सीडेशन में थ्री आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का लूज कर दिया। ठीक है, अब क्या है, Fe2 पॉजिटिव है ना, क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और क्या मिला इसको, Fe मिला, ऐसे तो बोल रहा है ना। अब हमको क्या है, ओवरऑल रिएक्शन बनानी पड़ेगी भाई, क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कर दो भाई, दो इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, या तो एक को करना मल्टीप्लाई, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसको यस क्या है, मैम, टू से मल्टीप्लाई, इसको किसे, हाँ सॉरी, इससे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, थ्री इस से टू रिएक्शन को 2 से से ठीक मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रू क्रोमियम, ठीक है, प्लस में 3 Fe2 पॉजिटिव गिव्स गिव्स 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस में 3 Fe, है ना, इलेक्ट्रॉन से मेरा इलेक्ट्रॉन, 6 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर करें, ऐसे आर के आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। अब ई सेल की वैल्यू क्या आएगी भाई, ई सेल की वैल्यू क्या आती है भाई, कितना दे रखा है इसमें, माइनस के 0.72 और माइनस का पॉइंट माइनस फोर के एनोड, माइनस के कैथोड, टू हमने क्या बोला माइनस का था, 0.3। माइनस का क्यों आएगा, पॉजिटिव 0.3 पॉइंट थ्री आएगा, 0.3 प्लस का, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलने के लिए नाइट्रोजन। बिल्कुल 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 ठीक है। और देखो लॉग की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, इतना भी टेंशन बाजी नहीं यस है इसमें तो। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू ये आ गई, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ई सेल नॉट इज इक्वल टू, बोलो बोलो, ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ
लोगो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में हम इसको तो लेंगे नहीं, तो क्रोमियम, क्रोमियम की पावर, क्रोमियम का पावर 2 है ना, और ये क्या है आयरन, आयरन की पावर दैट 3, ठीक है ना, आयरन का मेरा 3। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? है बेटा ई सेल की वैल्यू? ई सेल की वैल्यू हमें क्या दे रखा है बच्चे, ये देखो इज ऑलरेडी गिवन, ई नॉट सेल -0.72, ई नॉट सेल -4 लाइक 7.42, वैल्यू किसकी बड़ी है वो वाला बताया था ना कैसे निकालते हैं ई सेल की वैल्यू, कैथोड ओके, ई कैथोड माइनस ई एनोड। करते हैं ना, कैथोड माइनस एनोड करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैंने दूसरा ही यस क्वेश्चन मैम। देखा फिर से। ठीक हाँ ठीक है, तो ई सेल निकल आएगा उससे। अब निकाल लो 0.3 क्या हो गया, हमारी हमारा ई नोट की वैल्यू आ गई, ई नोट सेल की वैल्यू 0.3 माइनस में 0.00591 डिवाइडेड बाय 6 लॉग ऑफ क्रोमियम कितना दे रखा है हमारा 0.5, यस हाँ 0.5 दे रखा है ना, यस मैम, निकालो 0.5 का पावर कितना हो जाएगा 2 है ना, 0.5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय Fe कितना दे रखा है 0.01, 0.0 पावर क्या हो जाएगा 3। अब करो log 25 का वैल्यू भी दे रखा है और 0.3 कितना हो जाएगा ये भी देखो, इनटू 10 रेस टू पावर करो, जल्दी बताओ क्या आएगी वैल्यू पे। हाँ बच्चे मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं, टोंगो 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 टोंगो। जल्दी बोलो भाई, डी मैम ये डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है इन्होंने? ऑप्शन आंसर भी नहीं है, देखने को फायदा भी नहीं, क्या करेगा 0.2408। वन इज एलिमिनेटेड। मैम ये ए और डी इतने नजदीक दे रखे हैं इन्होंने मैम, हाँ हल्की बहुत तो कैलकुलेशन ऑब्वियसली है। बात है डी मैम ने कैंसिल कर दिया, बचा ए बताइए मैम, सी हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, वेरी गुड क्या यस बात मैम, है, डी सही जा रहे हो केशव, वेरी नहीं होगा फिर गुड, तो, मतलब बचाया नहीं, क्योंकि डी गलत है। इतना ए जीता बात। क्या आया था, ए ए आया था, वेरी गुड, मुझे लगा कैलकुलेशन मिस्टेक करती, ठीक नहीं नहीं मैम, है ए इज योर आंसर, सबका हो गया, हाँ जी मैम, यस मैम, किसी का नहीं हुआ तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ विवेक, कुछ नहीं नहीं मैम, हो गया, पहले कर रहा था। भी नहीं था मेरा, बट क्लैरिटी दिखाई, क्लैरिटी दिखा। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, निकालिए। कहेंगे मैम कितना भयंकर क्वेश्चन है, सारे तुम्हारे क्वेश्चंस कहाँ से हैं, एनसीईआरटी से और पीवाई की में, मैम एक बात बताओ, ये इन्होंने टेम्परेचर वगैरह क्यों फालतू में दिए होते हैं ऐसे ही? जबकि है तो स्टैंडर्ड, कंफ्यूज करने के लिए। जबकि है स्टैंडर्ड। कंफ्यूज करने के लिए बेटा जी, कंफ्यूज
जल्दी करो, टाइम फिनिश होने वाला है, फिर मैं तुम लोगों को इसको एज एन होमवर्क दे दूंगी, फिर ऐसे बोल करोगे तो। मेरा आंसर आ गया, क्या आया? सेकंड। क्या 3.2 आवर्स, कितना? 3.2 आवर्स। ये जो निचला क्वेश्चन कर गई है। क्या हुआ? नीचे वाला कर दिया। ऊपर वाला करना था बेटू, पर मैंने इसका निकाल दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये तो पहुंच गए, से तो सही है। 3.2 ऊपर वाला करो, अब ऊपर वाला करिए। ये आंसर बताओ मेरा ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब मैं ऊपर वाला कर देती हूँ। मेरा जब तक ऊपर वाला भी नहीं होगा तो दोनों कर दे। मैं ऊपर वाले का आंसर 3 आएगा या 3.1? 3? 3? यस मैम, सही है, बिल्कुल सही। लाइक उसका 10 टाइम्स है ना, तो 0.31 × 10 लाइक 3। थ्री। सिंपल फॉर्मूला लगना है और तो कुछ होना नहीं है इसमें, मैं पंच नहीं। है ना? कॉपर है तो क्या होगा, कॉपर पे क्या हो रहा है मेरा? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फेट है तो क्या हो गया, रिडक्शन होगा, 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेरा क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा, है ना? अब क्या है, रिडक्शन की वैल्यू क्या होती है, दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ 1/(1) कॉपर 2 पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड तो है नहीं, ठीक है। अब कॉपर 2 पॉजिटिव हमको क्या दे रखा है, 0.1, 0.1 मीन्स log 10, राइट? 0.1 को हटाएंगे तो मीन्स log 10। ई नॉट की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, 0.34 माइनस में 0.591, लाइक एवरीथिंग इज गिवन। टू सिंपल फॉर्मूला लगाना है, log 10 की वैल्यू क्या है, 1, 0.34 माइनस में कितना हो जाएगा, log 10 है 1, तो 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 0.31 बोल रहे थे, अब वो बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है, इन रिडक्शन की वैल्यू है मींस x है, और बोल रहा है कि वेयर x इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड आगे पोटेंशियल ऑफ मम्मी कॉपर। देखा। 10 टाइम्स करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लाइक अप्रोक्सीमेटली 3.331, है ना? ठीक है, नेक्स्ट कर लिया था आपने, इसका क्या आया, 3.2 आवर्स। यस मैम। किसने किया था, अंकित आपने? हाँ जैसिका ने हैंड रेज किए। जैसिका, बोलो बेटा। मैम प्लीज आप मत बताना, मैंने अंकिता से चढ़ना था मैम, कैसे किया इसने अगला क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, ओके डन, बोलो ये लो। मैम अभी बता दो कैसे किया, मैम ट्राई ट्रू नहीं करना अभी। नहीं अंकिता बताइए अंकिता से इसको। पीछे बोलूंगा अंकिता, हाँ प्लीज। वही मतलब है मेरा भी। करंट कितना दे रखा है ये देखो। अंकिता की हाँ अंकिता बताइए, अंकिता बताओ। मैम मेरे को एक्सप्लेन करने आ जाएगा? वैसे मैं जैसे मैंने किया मैं वैसे बताऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा बता दो आप। जेई मेन का है क्वेश्चन 2018 का,
हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पीयर करंट सो दैट अंकिता को बोला हाँ बोलो अंकिता आप बोलो भाई ये फॉर्मूला लिया था टू एस टू ओ एल लगा के ओ टू प्लस फोर एस पॉजिटिव प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव के मेरे को मोल ऑफ वेट दे रखा है बोरोन का डाई बोरोन हाँ बोलो मैम वन मोल्स ऑफ O2 is produced by 4F charge. Then 3 mole of O2 will require. English में समझ नहीं आ रहा. थोड़ा मतलब ऐसे बताओ जैसे friend को समझाते रहते तो दोस्तों से. हाँ. मैं को समझाने वाला काम नहीं होता. नहीं नहीं इतनी English जानने की ज़रूरत नहीं ना जैसे दोस्तों को बताते तो थोड़ा जल्दी. मैं जिस तरीके से करती हूँ उस तरीके से बोल रही हूँ मेरे को ऐसे समझाने समझाने के मामले में मैं नहीं हूँ. अरे शांति बाबा शांति यहाँ तो क्लास ही लगी ठीक है ना ठीक है डाइबोरेन का डाइबोरेन डाइबोरेन हाँ हाँ बोलो 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 M is equal to ZIT वाला फॉर्मूला तो लगेगा बिल्कुल वही लगता है सिंपल फॉर्मूला बोला मैम इतना बड़ा क्यों बता रही है मैम नहीं उसको नहीं आता है यार हर किसी को नहीं ठीक है वो कौन नहीं होती डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज B2H6 किसके साथ कंबर्शन कंप्लीट की कंबर्शन हुआ है इसका किसके साथ ऑक्सीजन के साथ किसके साथ ऑक्सीजन के साथ इसका कंप्लीट कंबर्शन हुआ है ठीक है तो लाइक ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबर्शन होके क्या बनाएगा दैट इज B2O3 प्लस में क्या निकल जाएगा इसमें वाटर H2O H2O निकलने के बाद जितना भी बचेगा अब इसको बैलेंस करो कितना बच रहा है क्या बन रहा है क्या हो रहा है ऑक्सीजन तीन और एक चार यहाँ कितने हैं दो करें एक तो दो टू और ये क्या बचा बोरोन टू लेकिन हाइड्रोजन तो सिक्स है हाइड्रोजन हमारा थ्री करेंगे हाइड्रोजन में थ्री कर दिया तो ऑब्वियसली बात है थ्री आ गया अब यहाँ पे थ्री और थ्री सिक्स तो यहाँ पे क्या कर देंगे मैं थ्री कर दू थ्री और टू सिंपल हो गया बैलेंस ठीक है बैलेंस इक्वेशन आ गई बोरोन डाइबोरोन की ठीक है yes, मेट इसने बता दिया है अगर हम क्या करें अब यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है भाई वाटर का ही हो सकता है यहाँ पर तो इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2O है तो क्या बनेगा इसमें क्या बताया था मैंने और 2 प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन ये बताया था बताया था ठीक है मैं भूल ही गया बहुत अच्छे अब ये देखो ये बोल रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है वन मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई कितने चार्ज से लाइक द फोर इलेक्ट्रॉन मीन्स फोर मोल लाइक फोर फराडे चार्ज से ठीक है तो थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी थ्री मोल कितनी होगी थ्री इंटू फोर मीन्स 12 फराडे चार्ज से कितना 12 फराडे अब अप्लाई करो क्यू इज इक्वल टू जेड आई टी वाला क्यू इज इक्वल टू जेड आई टी क्यू क्या है मेरा कितना फराडे चार्ज है 12 इंटू में F 96500 I क्या है मेरा I कितना है भाई 100 एम्पियर ठीक है टाइम ही तो निकालना है डिवाइडेड बाय 100 कर दो सिंपल T निकल आएगा देखो कितना आ रहा है 965 देख दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए इसको मल्टीप्लाई कर दो और आवर्स में निकालो क्योंकि टाइम क्या है वैसे तो सेकंड में होता है सेकंड में तो है तो आवर्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको मैम सेकंड ही लिया आपने उसमें इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इससे सेकंड लिया है ना उसको आवर्स में निकालना है तो आवर्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो आ जाएगा लाइक 3600 से अभी यही डिवाइड कर लो तो क्या है 300 तो यही आ गया 300 तो यही आ गया 300 ये कितना आ गया 3 × 3 = 6 3.2 आवर्स ना ये लो 3.2 आवर्स ठीक है चलो आज के लिए काफी तो दिव्या आज तो ठीक है ना अभी ठीक है अभी तो नहीं लगा कि मैम भागे भागे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा चलिए ठीक है
प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, हो सके तो जितना हो सके, और कल का टेस्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करना भाई। एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट विद नेम, लाइक मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, विद नेम एंड मार्क्स, चाहे कितने भी आए, कितने भी, और ईमानदारी से करना, ठीक है? ओके मैम, ईमानदारी से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। देखिए हमारी उधर आती है एब्सेंट, तो हम भी क्या करें, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, एब्सेंट नहीं होगा तभी तो, मेरे को मार्क्स चाहिए ना आप लोगों के, ताकि मैं लाइक रीचेक कर लूँ ना कि लाइक आप लोगों ने टेस्ट दिया है लेकिन फिर भी अगर एब्सेंट मार्क हो रहा है तो वहाँ पे, ठीक है ना, उस चीज के लिए चाहिए मार्क्स। यस मैम। और जिन लोगों का मैम 70 नहीं है तो क्या करूँ मैं केशव, कोई नहीं मैम, सर कमी है, ट्राई करना, ठीक है? मैंने जिनको नाम जिनको बोला है ट्राई करना प्लीज, ठीक है? और जिनको बोला, जिनको बोला है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनको नहीं बोला, जिनको नहीं बोला उनको भी परफॉर्म करना है भाई। मैम आपने जेसिका का नाम तो लिखा ही नहीं था। हाँ तो जेसिका क्या मतलब, नाम ना लिखने से तो बेटर है ना, मैंने क्या बोला है, मेरे को लाइक जो नाम याद आया वो मैंने लिख दिया, लाइक ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे भाई, जो आएंगे आएंगे, आगे भी अभी ऐसे ऐसे लिस्ट बनती रहेगी कि मेरे को ये बच्चे चाहिए, ऐसा नहीं है, जो अभी रहे अभी आ गया वो आगे अब आगे आ जाएगा, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? बाय, टेक केयर, बाय बेटिया।